कुरान पाक की आयत पढ़ते हुए अपना पांव उस गर्म तेल में लगाते हैं, अपनी एड़ी डिप करते हैं, डिप करके जहां पे मुतासरा जगह है वहां पे लगा दी जाती है। जादू वगैरह का कोई इलाज नहीं करते, कोई तावीज़ वगैरह हम नहीं देते, तो तेल जैतून का और पानी को दम करके देते हैं। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास जो लोग आते हैं, मुख्तलिफ अमराज के लोग आते हैं, हम उसमें मुख्य बीमारियां हैं, बैकबोन का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, फॉलिज के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस के हैं, सिस्ट के हैं, रिसोलियन जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ जगह जगह पर कैंसर का पेशेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रीटमेंट है, ये कोई जादू नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के लिए हमें बार बार उसको अप्लाई करना होता है। लाहौर में क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास लोग आते हैं, तो हमने हफ्ते में दो दिन रखे हुए, बुध और इतवार, 500 से 600 बंदा एक दिन में हमारे पास आता है। इतवार को सुबह का टाइम होता है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, और बुध की शाम 5 से रात 10 बजे तक। किसी चीज़ के कोई चार्ज नहीं, सब फीस भी ले है। इसको कैंसर की बीमारी थी, हमने इसके बहुत इलाज करवाए, इसके पाँव के अंगूठे भी कटवाए हैं, लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। किसी ने मेरी इधर का बताया तो हम आए, लेकिन अब बहुत इसे फ़र्क है, बहुत माशाल्लाह अब इसे फ़र्क है। ये मेरा भांजा है, तो तकरीबन गुजरात से आया, कश्मीर के इलाके से, तो इसको कैंसर है गर्दन में ना। इसकी हालत तकरीबन ये थी कि ये चलने से बड़ा मुश्किल था, ये जब बाहर निकलता था ना थोड़ा सा, तकरीबन 100 कदम भी चलता था ना थक जाता था फौरी तौर पर। अब तकरीबन 12 दम हो गए हैं इसके, 12 दम होने के बावजूद इसका ये हालत है कि ये खुद कहता है कि मैंने खेलना है,